Hello and good morning to all the students. Today we will do our chapter number 9 from history, and the name of the chapter is Life in Towns and Villages. In this chapter we will learn about the second urbanization. Ki kis tarah se first urbanization we have learned about the Harappan culture, and in this chapter we will learn about the second urbanization. Now have a look at your book, all of you. Second urbanization. इंदस वैली सिविलाइजेशन वॉज एसेंशियली एन अर्बन सिविलाइजेशन. हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में दैट इंदस वैली जो सिविलाइजेशन था दैट वॉज वेरी मच मॉडर्न. इट वॉज फॉलोड बाई द वैदिक सिविलाइजेशन विच वॉज एसेंशियली विलेज बेस्ड और रूरल इन कैरेक्टर्स. ऑल्दो दैट वॉज वेरी एडवांस्ड बट उसको हम विलेज एक तरह से विलेज लाइफ पे बेस्ड था. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रूरल कैरेक्टर. So it was not until the age of Mahajanapadas, that is from 600 BCE, that towns started emerging once again. हमने पढ़ा था ना that how it was destroyed, but after some time around 600 BCE जो है वो फिर से emerge करना start हो गई थी. The number of towns and cities sprang up in north and south India. और ये कहाँ पे sprang हुई थी, spread हुई थी, that was in north and south India. The growth of urban centers during this period is referred to as a second urbanization. और इस ग्रोथ को क्या कहा जाता है, that is also known as second urbanization. Now the next is reasons for the growth of cities. Reasons क्या क्या थे, देखो ये जो growth हुई why it has happened. Improved crop productivity, the growth of crops की जो उन्होंने कल्टीवेशन उन्होंने जो ह्यूमन बीइंग ने लर्न किया था तो उनकी अब क्या हो गई, दैट वाज वेरी मच प्रोडक्टिव. और अलोंग विद दैट उन्होंने क्राफ्ट्स का वर्क भी बहुत उन्होंने एडवांस हो गए थे. एंड इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज फ्रॉम अबाउट 400 BCE. और ट्रेड और कॉमर्स भी कैसा हो गया था, दैट वॉज ऑल्सो स्प्रेड ऑन अ वाइड ह्यूज स्केल एक तरह से कह सकते हो. Some cities such as Hastinapur became political and administrative centers. कुछ जो है उस time बहुत popular हो गए थे as administrative centers, and the name of those places were mainly Hastinapur. Other cities grew around markets that catered to a number of villages. These cities were usually located where there was agricultural surplus and where exchange could take place. और भी बहुत सारे सिटीज़ जो है उसमें भी मार्केट्स ग्रो हुए थे, मतलब विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस के बाद एक सिटी होता था एंड दैट वाज मेनली इन द सेंटर. और वो किस लिए होता था, ताकि एक्स्ट्रा जो सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते थे दैट कुड बी एक्सचेंज विद द अदर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज सिटीज़ ऑल्सो ग्रो आउट ऑफ रिलीजियस सेंटर्स एज इन द केस ऑफ वैशाली एंड मथुरा. सिटीज़ जो है किस में ग्रो हो गए, दैट बिकेम द रिलीजियस सेंटर्स. और उसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वैशाली एंड मथुरा. सम सिटीज परफॉर्म्ड मल्टीपल फंक्शंस. तक्षशिला वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अंडर द मौर्यास एंड द इंडो ग्रीक्स. अभी देखो कुछ सिटीज़ क्या थे, वो बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस करते थे, सच एज तक्षशिला कह लो, और जो कि मौर्यन के पीरियड में ग्रो हो गया था. लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट, इट इज़ ऑल्सो बिकेम अ मेजर ट्रेड सेंटर. एंड अलॉन्ग विथ दैट देखो जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं वो जनरली मार्केट प्लेस में ईजिली कन्वर्ट होना होता है उनका, बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ रूट, वाटर रूट के वजह से ईजिली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दैट्स वाई. एट द सेम टाइम इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड परफॉर्म द गंधर आर्ट फॉर्म. और देखो ये जो है एक बुद्धिस्ट सेंटर में भी एमर्ज हुआ था, एंड अलॉन्ग विद दैट गंधारा आर्ट फॉर्म जो था वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था. एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रिमेंडस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटरनल एंड ओवरसीज ट्रेड फ्लरिश्ड. अभी देखो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, जब एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो रहा है, इंटरनल ग्रोथ हो रहा है, ओवरसीज़ के रूट्स फ्लरिश हो रहे हैं, देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज और प्रोलिफेरियन
specialization in arts and crafts as craftsmen organized themselves into guilds. All these resulted in the growth of towns and cities. और ये सारा किस चीज़ को उन्होंने वे दिया, ये सारे ग्रोथ ने, they have paved the way for the growth of different towns and cities. One major factor common to these developments was the use of iron. अभी देखो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इन द प्रीवियस चैप्टर्स, दैट मैन हैव लर्न्ड हाउ टू यूज आयरन. आयरन के यूज़ से क्या हुआ, उन्हें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि प्लाउ, व्हील्स, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए. Use of iron plow and other implements helped in clearing large tracts of land and for agricultural purpose. अभी क्या हुआ कि इसकी वजह से जो है इनके agricultural जो है वो जो base से थे वो ज़्यादा अच्छे हो गए, because they were able to clear the land. This helped in increasing productivity. And as a result, जब land बढ़ गया, उसमें agriculture ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो गया, productivity भी बढ़ने लगी. Also iron tools were used in various crafts. और देखो बहुत सारे iron tools वो use करने लग गए different different crafts में. Changes in agricultural production. अभी देखो obviously जब tools ज़्यादा growth कर रहे हैं, human being ज़्यादा develop कर रहा है, तो फिर वो obviously उन चीज़ों को importance देगा जिससे agriculture में growth हो, because they were many farmers. हमने यही तो पढ़ा था, वो किस पे dependent थे, farming पे dependent थे. The introduction of iron implements brought about major changes in agricultural production. Tools such as axes, hoes and plowshares were used in agriculture. अभी देखो कौन कौन से tools use होते थे, बहुत सारे axes थे, वो जो कटारी होती है और वो जो जिससे harvest करते समय वो फसल काटते हैं ना, these were, तो इस टाइप के बहुत सारे equipments उनके पास सब हो गए. These helped men to clear dense forest of the Ganga Valley and bring about land under cultivation. अभी वो गंगा वैली के पास जो है लैंड दैट वॉज मोर फर्टाइल बिकॉज ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पर लैंड भी फर्टाइल होती है और टाइम टू टाइम क्या होता है, सॉइल जो है वहाँ की फर्टाइल होती रहती है, बिकॉज डायरेक्टली वहाँ पर कैसा वाटर आता है, बिल्कुल क्लीन वाटर आता है, एंड अलॉन्ग विद दैट उसके साथ वो सॉइल भी लाता है, फर्टाइल सॉइल. सो उन्होंने क्या किया, गंगा वैली के अराउंड के जो एरियाज थे उसको क्लियर कर लिया और वहाँ पे इरिगेशन स्टार्ट कर दी. द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टाइल लैंड्स एंड गुड इरिगेशन लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. द नंदास बिल्ट अ कैनल एट कलिंगा इन द सदर्न. द चोला किंग कारिकेला प्रोवाइडेड इरीगेशन फैसिलिटीज इन द कावरी रिवर वैली. अब देखो ये जो फर्टाइल लैंड, इरीगेटेड लैंड अलॉन्ग विद दैट इंक्रीज टेक्नोलॉजी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए वो. और नंदा जो एक डायनेस्टी थी वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कैनल बनाया कलिंगा में. और साउथ में जो है चोला किंग जो थे, ही हैज़ करिकेला में उन्होंने अपना इरीगेशन फैसिलिटी स्टार्ट किया. दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज, ठीक है, ये ध्यान रखना, चोलाज और ये जो कलिंगा थे. डिफरेंट क्लासेस ऑफ कल्टिवेटर्स, अब देखो कल्टिवेटर्स के कौन कौन से क्लासेस थे. इन साउथ इंडिया देयर वर थ्री कैटेगरीज ऑफ कल्टिवेटर्स. साउथ इंडिया में थ्री कैटेगरीज के कल्टिवेशंस थे. दीज टर्म्स हैव बीन मैंशनड इन द संगम टेक्स्ट, और ये कहाँ पर मैंशन है, संगम टेक्स्ट में. लेट अस कंपेयर दैम with the terms used in a north. अभी हम इसको north में किस terms में use हुआ है वो पढ़ेंगे. अभी देखो types of cultivators, देखो यहाँ पर एक आपके diagram दिया हुआ है north and south के, और वहाँ पर जो है अलग अलग किस तरह से दिया हुआ है कि ग्राम भोजका, village headman, और वो सारे जो है different गृहपति, small land owners, उसके बाद कौन आता था, दासा कर्मकाटर land owners, लैंडलेस वर्कर्स जो होते थे जो दूसरों के लैंड्स पे वर्क करते थे, ग्रामा भोज का, विलेज हेडमैन और जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे लार्जेस्ट ओनर्स, और साउथ में कौन होता था एट द लोवेस्ट, अदिमाई एंड कदाईयार, लैंडलेस लेबर्स होते थे, वो दूसरों के लैंड्स पे काम करते थे. उजावर ऑर्डिनरी फार्मर्स जो होते थे, और उससे ऊपर होते थे वेलालार जो लैंड ओनर्स होते थे.
देखो यहाँ पे चार्ट यू कैन सी दैट टाइप्स ऑफ कल्टीवेटर्स, किस टाइप के कल्टीवेटर्स थे एंड इन अलोंग विद दैट देखो आयरन इम्प्लीमेंट्स भी दिए हुए, किस तरह के वेपन्स थे उनके पास उस टाइम पे, सिकल्स एक्सेस ये सारे इक्विपमेंट्स के पिक्चर्स यू कैन ईजिली सी। अलोंग विद दैट देखो यहाँ पे वो जो काशी और वैशाली की पिक्चर्स दिए हुए हैं बिकॉज दीज आर द एक तरह से गंगा के जी, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, दे हैव मेड सम रिलीजियस वर्शिप के जो प्लेस होते थे दे हैव बिल्ट रिलीजियस सेंटर्स ओवर देयर। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल यूज ऑफ कॉइन्स। अभी देखो कॉइन्स जो है बहुत लार्ज स्केल में यूज होने लग गए। पहले हमने बार्टर सिस्टम के बारे में लर्न किया था तो दे यूज टू एक्सचेंज द थिंग्स बट कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती थी, दैट्स वाई कॉइन्स इशू किए गए। अभी देखो इसमें भी काफ़ी ग्रोथ हो गया। कॉइन्स ऑल्सो गिव अस अ गुड आइडिया अबाउट द लाइफ इन सिटीज। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड्स। अभी देखो इससे हमें किसी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है एक तरह से हिस्ट्री का, और इससे जो है बहुत थाउजेंड्स ईयर्स बिफोर क्या क्या होता था उस टाइम पे उससे हमें पता चलती है। द ईजिएस्ट कॉइन कंसिस्टेड ऑफ फ्लैट पीसेस ऑफ सिल्वर और ब्रोंज ऑफ इरेगुलर शेप। अभी देखो जो सबसे ईजिएस्ट कॉइन होते थे वो फ्लैट पीस के होते थे, किसके बने होते थे, दैट वॉज मेड अप ऑफ सिल्वर और ब्रोंज, और उसके शेप्स कोई प्रॉपर नहीं होते थे, दैट वॉज वेरी इरेगुलरली शेप्ड एक तरह से। कॉइन्स डिड नॉट हैव एनी इंस्क्रिप्शन बट नंबर ऑफ पंच मार्क्स। अभी इसमें क्या होता था, कुछ इंस्क्रिप्ट तो नहीं होता था बट कुछ पंच मार्क्स होते थे। These made an emblems of the kings who minted the coins. और वो किसके उसके emblems होते थे, जो पंच मार्क्स होते थे ना, that was an emblem of some king who has minted that. Hence the earliest coins were called punch mark coins. इसलिए जो पुराने coins होते थे उनको punch marks coins कहे जाते थे। Next page पे देखो you can see that easily. Silver coins were more common, suggesting दैट सिल्वर वॉज ईजिली अवेलेबल। अभी देखो सिल्वर कॉइन्स उस समय ज़्यादा पॉपुलर थे तो हमें इससे पता चलता है दैट सिल्वर वॉज वेरी कॉमन एंड ईजिली अवेलेबल एट दैट टाइम। ऑब्वियसली जिस चीज जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी का तो बनाएंगे वो लोग। नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ क्राफ्टमैनशिप अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑल्सो फ्लरिश। अब देखो इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल तो हुआ ही था, उसके साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट भी फ्लरिश हुआ था। Although craftsmen lived in villages, जबकि craftsmen कहाँ पर रहते थे, they used to live in villages. Specific crafts developed in areas where the associated raw material was available. जहाँ पर raw materials easily available होता था there they used to shift. For example, if a particular kind of clay was available in a certain area, then potters would be located in the village in that area. क्या होता था, अगर कोई particular kind of soil एक जगह पर available है तो potters वहीं पर assemble होते थे, they used to settle over there only. Carpenters would usually be found in villages near forest, where wood was easily available. Slowly certain areas became associated with a particular craft and expertise. अभी देखो जो carpenters होते थे वो कहाँ settle होते थे, they used to settle near forest because वहाँ पे उन्हें raw material मिल जाता था, that was wood. और ये wood से easily वो अपने carpentry कर सकते थे, that's why. और slowly क्या हुआ, क्योंकि उस time इतना transportation facility थी नहीं, दैट्स वाई स्लोली दैट एरिया बिकेम पर्टिकुलर, मतलब उस एरिया के लिए फेमस हो गया, पर्टिकुलर एरिया जो है उस प्रोडक्ट के लिए फेमस हो गया। दिस कंसनट्रेशन ऑफ क्राफ्टमैन ग्रेजुअली डेवलप्ड इन टू टाउन्स विच एक्सपैंडेड फर्दर टू बिकम कमर्शियल सेंटर्स। और ये स्लोली क्या किस में कन्वर्ट हो गया, कमर्शियल सेंटर्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इज एमर्जेंस ऑफ गिल्ड्स। अभी देखो कैसे गिल्ड्स कैसे बने, मेनी क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट्स फॉर्म्ड associations called guilds and or shrenies headed by the chief called the elder. अभी देखो बहुत सारे क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स एक साथ एसोसिएट होके दे हैव फॉर्म्ड गिल्ड्स, उन्होंने गिल्ड्स या उसको श्रेणीज भी कहते थे, और वो किससे चीफली कौन होता था, उसका हेड कौन होता था, दैट वॉज द चीफ कॉल्ड द एल्डर। दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एंशंट इंडिया। और इनका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इन चेंजिंग द इकोनॉमी ऑफ एंशंट इंडिया, हमारी जो पुरानी इकोनॉमी थी उसको चेंज करने में। द गिल्ड वुड फिक्स रूल्स ऑफ वर्क
wages and the prices of commodities produced by its members. अभी देखो गिल्ड का वर्क क्या होता था, वो रूल्स बनाती थी, उसके जो वर्कर्स होते थे उनके वेजेस फिक्स करती थी, और वो कौन से कॉमोडिटी का क्या प्राइस होता था दैट वाज आल्सो मेंटेन बाय द गिल्ड्स. द गिल्ड्स वुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू क्राफ्टमैन, गेट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट द एंड प्रोडक्ट्स. अभी गिल्ड्स क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे क्राफ्ट्समैन को, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते थे और फिर उसको एंड में डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे इन द अदर सेंटर्स. Their decisions were like law upheld by the merchants and the government. और उनके लॉज जो है सब लोग मानते थे, merchants and even governments also. Shrenis also serve as banks. Shrenis जो है वो भी bank का काम करते थे, where money could be deposited and transferred. जहाँ पे money deposit भी होती थी, at the same time transfer भी होती थी. नेक्स्ट इज ट्रेड रूट्स. अभी देखो ट्रेड रूट्स कैसे थे उस टाइम पे. भारूच इन गुजरात वॉज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट. गुजरात हमें पता है इट्स सी रूट है वहाँ पे, और भारूच जो है वहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस दैट इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट. द ग्रीक्स रेफर्ड टू भारूच एज बैरीगाजा. और जो ग्रीक्स होते थे ना ग्रीक पीरियड में, वो लोग इसको क्या कहते थे, बारू. दैट लुक एट द प्रोनाउंसिएशन. भारूच को क्या कहते थे, दैट वॉज नोन एज बैरीगाजा. फ्रॉम भारूच शिप्स वेंट बाय द पर्शियन गल्फ टू बेबीलोन कैरिंग हिमालयन प्लांट्स, आइवरी, अगेट, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम. अभी देखो इंडिया, ये हमें पता है कि दीज थिंग्स आर वेरी पॉपुलर अबाउट इंडिया. यहाँ जो हिमालयन हर्ब्स होते हैं अलॉन्ग विद द आइवरी के जो क्राफ्ट्स बने होते हैं, कॉटन, सिल्क, ये सब परफ्यूम वो इंडिया के बहुत फेमस है. सो यहाँ से वो जाती थी. इम्पोर्ट्स टू भारूच इंक्लूडेड. अभी देखो इम्पोर्ट्स क्या क्या लेके क्या क्या आते थे वो लोग, इंक्लूड वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम. अकॉर्डिंग टू द जातका टेल्स शिप्स ट्रेवलर फ्रॉम बनारस टू पाटलिपुत्र एंड ऑन टू चंपा. अभी देखो वो जो हमें जातक की कथाएं मिलती है ना, जातक की कथाएं एक बुक होती है, उसमें जो है उसके पुराने टाइम्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो दे हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन दैट जो लोग होते थे उस टाइम, जो ट्रैवलर्स होते थे, दे यूज टू ट्रैवल फ्रॉम बनारस से वो कहाँ जाते थे, पाटलिपुत्र एंड ऑन टू चंपा, और फिर उसके बाद चंपा जाते थे. फ्रॉम देयर दे वेंट टू बोथ सिलोंग. उसके बाद वहाँ से वो या तो सिलोंग जाते थे, प्रेजेंट डे श्रीलंका जो है, या एंड मलाय. और वो जो प्रेजेंट डे मलेशिया जो है दैट वॉज नोन एज मलाय. मीन्स दीज आर द ओल्ड नेम्स ऑफ दीज प्लेसेस. तो वहाँ तक जाते थे. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी देखो कौन कौन से सोर्सेज से हमें पता चलती है. लिटरेरी सोर्सेज सच एज द जातक टेल्स, संगम लिटरेचर, अष्टदाई ऑफ पानी एंड बुद्धिस्ट त्रिपिटकास प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एंशंट इंडियन सिटीज. अभी जो है लिटरेरी सोर्सेज में कौन कौन से आते थे, जो अदर रिटन हैंड रिटन होते थे, तो दे कम अंडर द लिटरेरी सोर्सेज एंड फ्रॉम देयर वी केम टू नो अबाउट द प्रोसेस हाउ द ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज डन ड्यूरिंग द एंशंट पीरियड. नेक्स्ट इज संगम लिटरेचर. द वर्ड संगम मीन्स एन असेंबली. संगम हमें सबको पता है कि इट मीन्स असेंबली, जहाँ पे वो मिलन होता है. हमें सब पता है ना संगम इलाहाबाद में है, वहाँ पे जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं. अराउंड 300 BC अ गैदरिंग ऑफ तमिल पोइट्स एंड स्कॉलर्स टुक प्लेस. कब की बात है, अराउंड 300 BC में क्या हुआ था, तमिल पोइट्स और स्कॉलर्स जो हैं गैदर हुए थे एक जगह, उनकी मीटिंग हुई थी. थ्री सक्सेसिव असेंबलीज हुई थी उस टाइम, वेयर हेल्ड द लास्ट वन एट मदुराई. और लास्ट कहाँ पे हुआ था, दैट वाज इन मदुराई. द वर्क्स ऑफ द फर्स्ट टू संगम्स आर लॉस्ट. पहले दो संगम्स के वर्क्स तो लॉस्ट है, बट लास्ट वन जो है जो मदुराई में हुआ था उसके कुछ चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं. ओवर 2000 पोइट्स इन तमिल कलेक्टेड एट द थर्ड असेंबली एट मदुराई आर कंपाइल्ड इनटू 8 बुक्स. और 2000 पोइट्स आए थे उस टाइम तमिल से, एंड उन्होंने क्या कंपाइल किया था, अराउंड 8 बुक्स कंपाइल किया गया था, दैट इज़ नोन एज इटुथोवाई.
नोन एज द संगम लिटरेचर, और उसको किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ नोन एज संगम लिटरेचर, मीन्स नॉर्थ और साउथ का एक तरह से मिलन था. द पोइट्री ऑफ दिस पीरियड गिव्स अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट तमिल सोसाइटी एट दैट टाइम, और इनके पोइम्स के थ्रू हमें उस टाइम तमिल सोसाइटी कैसी थी वो भी पता चलता है. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखो कौन से होते हैं. द रिमेन्स फाउंड एट एक्सकवेटेड साइट्स फर्दर रिकन्फर्म व्हाट द लिटरेरी सोर्सेज टेल अस, और जो उस टाइम के रिमेनिंग्स हैं वो फर्दर हमें क्या करते हैं, वो हमें कन्फर्म करते हैं कि येस दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स हैज हैपन. रिटन के साथ साथ अगर हमें वो सोर्सेज मिलते हैं तो वी केम टू नो. द रिमेन्स फाउंड एट एक्सकवेटेड साइट्स फाउंड फर्दर सॉरी The cities were normally enclosed by a moat or a rampart and were sometimes fortified. Digging the moat provided mud for building the rampart. Therefore, the ramparts initially had mud fillings. Later, bricks were also used as seen at कौसम्बी. अभी देखो सिटीज़ जो होते थे वो उनके नियर अबाउट में मोट बनाया जाता था, दैट वाज डिगिंग करते थे वो सॉइल को और उसमें एक तरह से वो जो बिल्डिंग बनाते थे उसको डिग करके बनाते थे. पहले तो वो मड से बनाते थे बट फर्दर वो ब्रिक से बनाने लग गए उसको. द रैम्पर्ट एक्टेड एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स, और ये रैम्पर्ट किस चीज़ से उन्हें प्रोटेक्ट करता था, फ्लड से बचाता था. सिंस मैनी टाउन्स वर लोकेटेड ऑन रिवर बैंक्स, उस टाइम क्या होता था रिवर बैंक्स के नज़दीकी लोग अपना घर बनाते थे, एक तरह से बॉर्डर समझ लो, एक वॉल का बॉर्डर बना देना. दे ऑल्सो एक्टेड एज अ डिफेंस अगेंस्ट एनिमीज, और वो एनिमीज से भी इन्हें बचाते थे. द हाउसेज ऑफ दिस पीरियड वेर वेल बिल्ट. इन द लेटर स्टेजेस दे वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स और फायर ब्रिक्स. अभी देखो हाउसेज जो है इस पीरियड के दे वर वेरी वेल बिल्ट, बहुत अच्छे से बने हुए होते थे, जो कि लेटर में जो पहले उन्होंने मड से स्टार्ट किया देन दे हैव स्टार्टेड यूजिंग ब्रिक्स. फर्दर सच एज ड्रेन्स, फीचर्स सच एज ड्रेन्स, रिंग वेल्स विच वेर प्रोबेबली यूज एज टॉयलेट्स एंड सोकिंग पिट्स वेर यूज. अब देखो अलग अलग वॉशरूम्स भी उन्होंने बनाना सीख लिया था एंड इस तरह से दे हैव मेड अ फाइन हाउस एक तरह से आप समझ लो. नेक्स्ट इज पोट्री. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट हैव ऑल्सो बीन फाउंड. द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्बन सिटीज ऑफ द गैंगेटिक प्लेन्स, वॉज मेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर फायरिंग टेक्निक यूज इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन. दिस पोट्री इज यूजली ब्लैक इन कलर एंड हैज वेरी गुड टेक्स्चर. अभी देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें पता चलता है कि जो क्राफ्ट्स वो लोग बनाते थे ना नॉर्थ में, वो ब्लैक पॉलिश्ड वेयर से बनाते थे, जो दैट वॉज मेड अप ऑफ, वो क्या करते थे उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न करते थे. जैसे कि आयरन को जिस टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है एट द सेम टेम्परेचर देयर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वेयर एक तरह से पक्की बनाना, जिसको कहते हैं कच्ची मिट्टी को पक्का जो बर्न कर देते हैं, दैट वॉज यूज. और पोट्री कैसी होती थी उस टाइम की, दैट वॉज अ ब्लैक, एक अलग ही लश्रस शाइन होता था उसमें, एक लश्र होती थी. सो आई थिंक दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके बाय बाय स्टूडेंट्स.